चेस और कैरम का टूर्नामेंट हो रहा है। ये इंटर कॉलेज टूर्नामेंट है, इसमें 16 टीम्स जो है मुख्तलिफ कॉलेज से ये हिस्सा इसमें ले रही हैं। मैम इसमें कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया? 16 कॉलेज से बच्चे आ रहे हैं जो इस टीम में हिस्सा लेंगे। हर टीम कॉलेज से 4-4 स्टूडेंट्स है। कितना टैलेंट लग रहा है आपको? काफ़ी ज़्यादा है, बच्चों में बहुत टैलेंट है और बच्चों में काफ़ी शौक़ है इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का, बहुत ज़्यादा शौक़ है। क्योंकि इस कॉलेज की एक बहुत अपनी हिस्ट्री रही है कि हम करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी फोकस करते हैं और हर आए दिन हमारे एक एकेडमिक कैलेंडर बनता है एट द बिगनिंग ऑफ द सेशन, जिसमें स्पोर्ट्स एकेडमिक कैलेंडर जो है वो अलग से बनता है और पूरे साल जो है उस पर जो हमने एक्टिविटीज़ की होती है वो उन एक्टिविटीज़ पर फोकस किया जाता है और वो एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की जाती है। तो बहुत सारे कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया है, लाइक अनंतनाग, बारामूला, बहुत सारे कॉलेजेस ने, ऑलमोस्ट 16 ने किया है पार्टिसिपेट इसमें कैरम एंड चेस टूर्नामेंट। हाँ, ऐसे इवेंट्स होने चाहिए क्योंकि इससे डिप्रेस्ड जो लोग होते हैं वो जब भी खेलते हैं कैरम खेलते हैं तो मुझे लगता है कि डिप्रेशन में नहीं जाते हैं, थोड़ा माइंड बिजी होता है, माइंड सेट गेम है तो माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता है, तो इस वजह से अच्छी गेम है, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए हर किसी को, हर किसी लड़कियों को भी और लड़कों को भी।